सवारियों से भरे टेम्पो और बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत। दुर्घटना में 5 लोग बताए जा रहे घायल। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में बाईपास मोड़ के निकट सवारियों से भरे टेम्पो और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान टेम्पो के पलटने से बाइक नीचे फंस गई। दुर्घटना में करीब 5 लोग घायल हुए हैं। सिंघोरा गमी में शामिल होकर लौट रहे बाइक सवार 2 जनों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें बसई नवाब CHC से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया। लोगों का कहना है कि नए बाईपास के मोड़ पर सांकेतिक बोर्ड नहीं लगने से यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी टेम्पो सवार अली निवासी जरोली ने बताया कि सवारियों से भरा टेम्पो उत्तर प्रदेश की ओर से बसई नवाब आ रहा था, तभी नए बाईपास की ओर से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। सड़क पर क्रॉसिंग वाली जगह पर कोई भी सांकेतिक बोर्ड नहीं होने के कारण दोनों ही वाहनों की रफ्तार अधिक थी। इस दौरान टेम्पो चालक ने ब्रेक लगाकर रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन अचानक से बाइक के सड़क पर आ जाने के चलते दुर्घटना हो गई। इस दरमियान बाइक सवार पृथ्वीपुरा किरावली निवासी महिला रेनू अपने पड़ोसी राम प्रकाश के साथ अपने रिश्तेदारी सिंघोरा गमी में शामिल होकर वापस लौट रही थी, तभी दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टेम्पो चालक सहित कुछ अन्य सवारियों के भी चोटें आई हैं।